हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं आप सबका फेवरेट चैनल वेब क्लासेस, जहां पर हम लोग आज आ गए हैं एक थोड़ा सा टॉपिक लेकर, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज क्या होता है। इसके बारे में बहुत दिक्कत होता है स्टूडेंट लोगों को कि ये है क्या सर। इसके पहले वाला वीडियो में हम लोग क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज और यूनिट निकालना सीखे थे, वो सब यूट्यूब पर अवेलेबल मिल जाएगा। ये बेसिक कंसेप्ट, बेसिक फिजिक्स का दूसरा पार्ट जिसमें हम लोग स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज करेंगे। यानी अभी है क्या, पहला दो फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड द स्केलर क्वांटिटीज। जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो उसको स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। या जैसे एग्जाम्पल ले लें, डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, वर्क हो गया, इस तरह क्वांटिटीज को हम लोग स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। यानी कि जिसके पास केवल क्या हो, मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड मतलब कि अगर हम बात करें नॉर्मल भाषा में तो जिसका वैल्यू हो, मान हो, मतलब जो भी है। जैसे कि हम लोग मास लिए तो मास अगर 2 kg, अगर 2 kg अगर हम एप्पल लेते हैं तो 2 kg एप्पल लेते हैं तो इसका कहीं ना कहीं कहीं डायरेक्शन नहीं होता है, इसका कहीं डायरेक्शंस होता ही नहीं। यानी एप्पल हम 2 kg लिए तो उसका कोई डायरेक्शंस नहीं है, इस डायरेक्शंस में, उस डायरेक्शंस में, ऐसा कुछ नहीं कि इसका मास 2 kg इस डायरेक्शंस में, इस डायरेक्शन में जाएंगे तो 3 kg 4 kg, यानी डायरेक्शंस डिपेंड नहीं कर रहा है। उसी तरह टाइम भी टेम्परेचर डायरेक्शंस पर डिपेंड नहीं करता है। इसके पास केवल क्या है, मैग्नीट्यूड। क्योंकि टाइम बज गया, ठीक है, 3 बजा हुआ है तो 3 AM ये टाइम है, तो है सबके लिए है। अभी कोई डायरेक्शंस नहीं है, कोई ऊपर घड़ी रख देंगे तो उसका टाइम बदल जाएगा, नीचे रख देंगे तो टाइम बदल जाएगा, इसका कोई डायरेक्शंस मतलब नहीं। इसका टाइम से मतलब, हमको डायरेक्शंस क्या मतलब है, ऊपर वाला घड़ी में 3 बजा है, नीचे वाला घड़ी में, डायरेक्शंस कोई मतलब नहीं है। यानी कि इसका डायरेक्शंस नहीं होता है। इस फिजिकल क्वांटिटीज के पास केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू होता है। जैसे कि अगर हम बात बोले डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या है, 2 meter। अब इसका डायरेक्शन से कोई मतलब हमको नहीं है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि यहाँ से 400 किलोमीटर, अब यहाँ से 400 किलोमीटर यानी कि डिस्टेंस है। अब यहाँ से बोल दिया जाता 400 किलोमीटर दिल्ली या रांची, मतलब एक डायरेक्शन से बोला जाता है, तब जाकर वहाँ पर जाते हैं वेक्टर क्वांटिटी। इसका डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, स्पीड का डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, टेम्परेचर का भी कोई मतलब नहीं। अब टेम्परेचर अगर हमको है 25 degrees Celsius है, तो सेल्सियस है, इसका कोई डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। 25 degrees Celsius अब कोई मतलब नहीं कि यहाँ से थोड़ा ऊपर जाएंगे तो कम ज़्यादा, 25 degrees Celsius बस, आप इसको इन्जॉय कीजिए। उसी तरह वर्क भी हो गया, इसका कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, डेंसिटी हो गया। तो इस तरह क्वांटिटीज को हम लोग स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं, जिसके पास मैग्नीट्यूड तो हो लेकिन डायरेक्शंस नहीं हो। स्केलर क्वांटिटीज आर टू बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ अलजेब्रा। इसको जोड़ना, घटाना, मतलब डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, ये सब जो है अलजेब्रा के अकॉर्डिंग। अलजेब्रा के अकॉर्डिंग मेरे पास जैसे कि 2 kg एप्पल है और 3 kg मेरे पास ऐसा होता है कि अंगूर हो गया, 2 kg एप्पल हो गया, 3 kg अंगूर हो गया, तो टोटल मिला क्या हो गया, 5 kg ये वजन है मेरा, मतलब इस जो मटेरियल है उसका, ये 2 kg हो गया, 3 kg, यानी ओवरऑल कितना हो गया, 5 kg। इसका कोई डायरेक्शन से मतलब नहीं है, यानी कि नेट मतलब मास, इसका कोई डायरेक्शन से, नॉर्मली इसको ऐड करेंगे, नॉर्मली सब्ट्रैक्ट करेंगे। यानी कि ऐसे भी सब्ट्रैक्ट भी करना होगा, तो जैसे बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं कि 5 kg एप्पल के अंदर से 2 kg एप्पल सड़ जाए तो कितना हो जाएगा, 3 kg हो जाएगा। इसमें नॉर्मल सब्ट्रैक्ट और ऐड करना है, इसमें ऐड डायरेक्शंस के कोई मतलब नहीं। यानी कि इस तरह क्वांटिटीज को हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड, डायरेक्शंस नहीं हो। अब ऐसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और साथ ही साथ क्या हो, डायरेक्शन भी हो, दो फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड डिपेंड अपॉन द क्या हो जाएगा, एंगल, आर कॉल्ड द क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटीज। हम एक देखो बात बात बुक में क्या दिया था, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस, लेकिन हाँ एक बात दिमाग में डालना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस के साथ एक और चीज़ होना जरूरी है जो कि इसका रिजल्ट है, जो एंगल पर डिपेंड करे, एंगल पर डिपेंड करेगा, तब जाके उस तरह क्वांटिटीज को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ये प्रूव करा देंगे बस, मजा आने वाला। फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, मोमेंटम हो गया, फोर्स हो गया, ठीक है, फोर्स को भी हम ले सकते हैं एक्सेट्रा और वेक्टर क्वांटिटीज। जैसे देखो अब मान लो कि ये हो गया पटना, और पटना से जाना है तुमको दिल्ली, तो पटना से दिल्ली जाना है तो बहुत सारा रास्ता है, बहुत सारा रास्ता है, और बहुत सारा रास्ता है तो ये सब कुछ ना कुछ दूरी होगा। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि 400 किलोमीटर होगा, ये 200 किलोमीटर होगा, नहीं ये तो ज़्यादा होगा ना, तो चलो ये 800 किलोमीटर हो गया, ये 1000 किलोमीटर हो गया, ये 2000 किलोमीटर हो गया, मतलब जो भी है हम ले लेते हैं कुछ भी अपने मन से मानने का है, ये 10,000 किलोमीटर या जो भी है ले लो,
हम एक चीज़ बताना चाहते हैं यहाँ पर कि इस हर केस में एक चीज़ है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड हर केस में तुम्हारा डिसाइड है कि मैग्नीट्यूड तो है और मैग्नीट्यूड है, लेकिन डायरेक्शंस फिक्स केवल किस में है, शॉर्टेस्ट वाला में, यहाँ से यहाँ। यानी कि सबसे छोटा रास्ता अगर जाएंगे तो 400 किलोमीटर होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बोल दें कि आपको यहाँ से कहीं दिल्ली जाना है, तो आपको एक दोस्त आया बोला कि देख भाई ये रास्ता पकड़ के जाओगे, ये रास्ता पकड़ के जाओगे तो सबसे पहले पहुँचोगे। डेट इज़ कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है, अदरवाइज भी पहुँच जाओगे, पूछते पूछते कहीं से ना कहीं पहुँच जाओगे। यानी डेट उस हर केस में वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी, जिसका मैग्नीट्यूड तो है, यानी कि जाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा है, थोड़े कहीं छूम अंतर हो जाएंगे उड़ जाएंगे, ऐसा थोड़े, यानी कि आपको कुछ ना कुछ चल के जाना होगा, यानी कि मैग्नीट्यूड है, इस बात को दिमाग में डाल देना। हाँ, इसके अलावा जैसे एग्जांपल हो गया जैसे डिस्प्लेसमेंट, यही देखो ये शॉर्टेज डिस्टेंस को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन फिक्स होता है लेकिन डिस्टेंस का कोई फिक्स नहीं होता है। डिस्टेंस एक कैसा क्वांटिटीज है, तो स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट कैसा है, वेक्टर क्वांटिटीज, यानी कि ये सब डिस्टेंस है लेकिन डिस्टेंस में भी जो सबसे छोटा है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। इस बात को याद रखना है। और बातें याद रखना है कि अगर हम बात करें इसी में वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन, जैसे हम एक चीज़ बोले थे कि ये जो इसका रिजल्टेंट जो होता है वो एंगल पर डिपेंड करता है। अब एंगल पर डिपेंड कैसे करता है तो देखा जाए। अब देखो, अगर किसी बॉडी पर फोर्स लगाया जाए इधर से 5 न्यूटन का और इधर से भी 5 न्यूटन से, यानी कि जब फोर्स लगाओगे किसी बॉडी पर, तो इस बॉडी पर अगर नेट फोर्स बोला जाए तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। यानी कि बॉडी किसी भी डायरेक्शन में नहीं जाएगा, किसी भी डायरेक्शन में नहीं जाएगा, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, क्योंकि दोनों की तरफ 5 न्यूटन 5 न्यूटन। मेरे को कोई इधर से कोई घींचे बराबर फोर्स से, उतना ही बराबर फोर्स से, इधर से आदमी कहीं नहीं जाएगा, बीच में सेंटर में रुका रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं फोर्स का डायरेक्शन यानी एंगल पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि इस दोनों के बीच में अभी का एंगल कितना है, 180 डिग्री है। वही अगर हम लोग बात करें कि इसी बॉडी पर अगर यही 5 न्यूटन का फोर्स ऐसा लगा दिया जाए, 5 न्यूटन का फोर्स इधर डायरेक्शन में लगा, यानी कि सेम डायरेक्शन में लगा दिया जाए, तो अब की बार नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन। ये तो समझ में आ रहा होगा, यानी कि 10 न्यूटन का, क्योंकि अब यहाँ पर बॉडी ओवरऑल इधर जाना स्टार्ट करेगा, यानी कि कहीं ना कहीं एंगल पर डिपेंड कर रहा है। अब ये दोनों के बीच का एंगल जो है, थीटा का वैल्यू कितना है, 0 डिग्री, दोनों सेम डायरेक्शन में, एंगल का वैल्यू 0, एंगल बना ही नहीं, पैरेलल हो गया दोनों के बीच का 0 डिग्री, तो उस केस में फोर्स का वैल्यू कितना हो गया, 10 न्यूटन। यानी कहीं ना कहीं एंगल पर डिपेंड कर रहा है रिजल्ट, तो इस तरह क्वांटिटीज को हम लोग कैसा क्वांटिटीज बोलते हैं, तो वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं, जिसके पास मैग्नीट्यूड हो डायरेक्शन हो। अब वेक्टर क्वांटिटीज को कभी कभी रिप्रेजेंट करने के लिए एक एरो डाल दिया जाता है, एरो, ऐसे एरो हम लोग डाल देते हैं, तो एरो डालने से लगता है कि वेक्टर क्वांटिटीज है। जब भी एरो डाल देते हैं तो आपको लगता है कि वेक्टर क्वांटिटीज है, या हम लोग ऐसे वेक्टर क्वांटिटीज में ये और तो ये वाला पॉइंट्स जैसे ओ हो गया, तो इसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज में इसको इनिशियल पॉइंट बोलते हैं। ये कैसा है, तो इनिशियल पॉइंट है, ओ से ए तक गया तो ये कैसा पॉइंट हो जाएगा, तो ये पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फाइनल पॉइंट। ये वेक्टर का कंसेप्ट है, एक इनिशियल पॉइंट हो गया, दूसरा वेक्टर क्वांटिटीज है। अब यहाँ पर कोई वेक्टर को डिनोट करना है तो ये एरो द्वारा डिनोट करते हैं, यानी कि ओ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए, यानी एरो डिनोट करते हैं। एरो बताता है कि बॉडी कहाँ से कहाँ जा रहा है, ओ से जा रहा है। अगर कभी भी गलती से आप ए से ओ लिख देते हैं तो वैल्यू क्या हो जाता है, माइनस में। वेक्टर का यही तो कहानी है, डायरेक्शन बदल दिया जाए तो उस केस में वैल्यू बदल जाएगा। देखो इसका एक सिंपल लॉजिकल है, डायरेक्शंस बहुत ज़रूरी है। अगर डायरेक्शंस की अगर हम बात करें कि अगर मान लो कि एक फॉर एग्जांपल अगर तुमसे बोला जाएगा तुम अपने घर से एक काम करना कि जमशेदपुर में चले जाना जुबली पार्क के अंदर एक बड़ा सा W के नीचे 10 करोड़ रुपया है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस आएगा कि वो पहले तो जुबली पार्क किधर है, एक डायरेक्शन मालूम हो जाए, इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, फिर जुबली पार्क के गेट से कितना एंगल लेना पड़ेगा, कितना एंगल पर जाना पड़ेगा, तो वहाँ पर एक W मिलेगा जो पेड़ से बना होगा, उसके नीचे, अब नीचे कहाँ पर हो सकता है, नीचे मतलब देखो डायरेक्ट या तो नीचे हो सकता है या इस डायरेक्शन में। तो वेक्टर क्या बताएगा, एक डायरेक्शंस, एक एक्यूरेट पोजीशंस जहाँ पर हम लोग जाकर डायरेक्ट अगर खोदा या मिल गया 10 करोड़। कहानी याद आ गया होगा तो ठीक है, कहानी को याद रखना है, ये इनिशियल पॉइंट हो गया, फाइनल पॉइंट हो गया। हाँ, कभी भी इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर दोनों सेम हो जाए तो वेक्टर में रिजल्ट क्या हो जाता है, 0। जैसे हम यहाँ से गए, घर से गए, सब्जी वब्जी खरीद कर वापस घर आ गए, यानी कि नेट मेरा जो वर्कडन है, मतलब जो नेट मेरा डिस्प्लेसमेंट है वो वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, और बात जाना जाए वेक्टर के बारे में, मज़ा आने वाला है, एंजॉय करोगे। इलेक्ट्रिक करेंट हैज अ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस, बट इट हैज नॉट ओबे
लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, सो इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के पास सब चीज़ होता है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट के बाद अगर बोला जाए तो इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शंस भी है, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इसलिए अच्छा से पढ़ना जरूरी है। कारण देखो, अब इलेक्ट्रिक करंट में अगर बोला जाए कि एक वायर में यहाँ से 2 एम्पियर करंट गया, यहाँ से 3 एम्पियर करंट गया, ओवरऑल इसमें कितना होगा 5 एम्पियर। अब ये वायर कितना एंगल पर है ये हमको कोई मतलब नहीं रहता है। अगर मान लो कि वायर का एंगल बदल कर 120 भी कर दिया जाए और अभी भी 2 एम्पियर का करंट है और ये कितना है 3 एम्पियर करंट, तो ओवरऑल मिलाकर कितना हो जाएगा 5 एम्पियर। यानी कि इसके अंदर का जो करंट है वो एंगल पर डिपेंड नहीं कर रहा है। मैग्नीट्यूड तो है, डायरेक्शन भी है करंट का, करंट का डायरेक्शंस भी है, लेकिन ये वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशंस को भी नहीं कर रहा है, यानी कि एंगल पर इसका एडिशंस डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इस तरह के क्वांटिटीज़ को हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। देखने में लगा वेक्टर है लेकिन है स्केलर। इसलिए कंसेप्ट एकदम पक्का, एकदम क्लियर पढ़िए। क्लियर कंसेप्ट पढ़ने के बाद कभी भी सबका प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ वेक्टर। जैसे कि हम बोले कि एंगल देखकर किससे है, सेम एंगल है तो ऐड कर दीजिए, अगर अपोजिट एंगल है तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अभी और भी वेक्टर का कंसेप्ट होता है, वेक्टर के रिगार्डिंग मेरा एक सीरीज़ है जो यूट्यूब पर है, ऐसे नॉर्मल आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं जिससे काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट हो गया। कभी कभी ऐसा होता है कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ बट दे डू नॉट ओबेज वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशंस, यानी वेक्टर्स का एडिशंस को भी नहीं करता है लॉ को, तो आर कॉल्ड द टेंसर क्वांटिटी। उसको या तो टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं या तो स्केलर क्वांटिटी। अगर एग्जाम में आ जाए कि इलेक्ट्रिक करंट, अगर मान लें कि इलेक्ट्रिक करंट कौन सा क्वांटिटी है, तो सबसे पहले सुंदर कि टेंसर क्वांटिटी, जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड स्केलर, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टेंसर, और मैग्नीट्यूड डायरेक्शंस और एंगल पर रिजल्टेंट डिपेंड करे वेक्टर। अगर ये तीनों, अगर मान लो कि कभी टेंसर नहीं दिया है तो उसको स्केलर मार के आ सकते हो और अच्छा से रिजल्ट मिले। एक छोटा सा वीडियो में हम कवर किए जो कि बहुत मज़ा आने वाला है, बार बार इसको देखिए, एंजॉय कीजिए, क्योंकि स्केलर और वेक्टर हमेशा यूज होने वाला है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।